नमस्ते, मैं हूँ रेणुका। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको मैदे और आलू से बना एक मज़ेदार और चटपटा नाश्ता ये रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ, जिसे आप किसी भी सॉस, चटनी या सिर्फ चाय के साथ सर्व कर सकते हो। और ये बनाना भी बहुत ही आसान है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी स्टफिंग बनानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ दो उबले हुए आलू स्मैश करके लिए हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें एक कप मूंगफली का पाउडर डालना है। तो मैंने एक कप मूंगफली लेके उसे मिक्सर के बर्तन में डाल के उसका पाउडर बनाया है। तो आप मूंगफली पाउडर की जगह एक कप किसा हुआ नारियल भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद हमें इसमें एक बारीक कट किया हुआ प्याज डालना है। फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार बारीक कट की हुई हरी मिर्च डालने हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें एक कप बारीक कट की हुई हरी धनिया डालनी है। फिर उसके बाद हमें इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालने हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें एक चम्मच चाट मसाला पाउडर डालना है। फिर उसके बाद हमें इसमें एक चम्मच मैदा डालना है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। फिर हमें ये सारे स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी ये स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। फिर उसके बाद अभी हम इस रेसिपी के लिए बैटर बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है। फिर सबसे पहले हमें इसमें चार चम्मच मैदा डालना है। तो यहाँ मैंने चार चम्मच मैदा ले लिया है। फिर उसके बाद हमें इसमें चार चम्मच पालक की प्यूरी डालनी है। तो मैंने यहाँ एक कप पालक को मिक्सर के बर्तन में डाल के उसकी प्यूरी बनाई है। फिर उसके बाद अभी हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। फिर उसके बाद हमें इसमें एक गिलास पानी डाल के इसका गाढ़ा सा बैटर बनाना है। तो हमें इसका ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा बैटर बनाना है और हमें इसमें एक भी गांठ नहीं रहने देनी है। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, तो अच्छी तरह से हमें इस बैटर को फेंट लेना है। तो अभी यह बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, आपको इस मात्रा में इसका बैटर बनाना है। फिर उसके बाद अभी हमें ये स्टफिंग लेनी है और इसके हमें गोल रोल बनाने हैं। तो सबसे पहले अभी हमें हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाना है, नहीं तो ये स्टफिंग हाथ पे चिपकेगी। फिर उसके बाद अभी हमें थोड़ी सी स्टफिंग लेनी है और इसके ऐसे गोल गोल रोल बनाने हैं। तो आप इसके गोल साइज़ में भी रोल बना सकते हो, नहीं तो आप इसके चौकोनी आकार में भी रोल बना सकते हो। तो मैं आपको और एक बना के दिखाती हूँ। तो आप इससे बड़े साइज़ में भी इसके रोल बना सकते हो। तो ये देखिए, आपको इस आकार में इसके रोल बनाने हैं। फिर उसके बाद अभी हमें इन रोल को, जो हमने मैदे का बैटर बनाया है, उसमें डिप करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें ये रोल को मैदे के बैटर में डिप करना है। फिर उसके बाद अभी हमें इन रोल को तेल में फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने गैस पे तेल रख दिया है। फिर तेल गर्म होने के बाद हमें इसमें मैदे में डिप किए हुए जो आलू के रोल है वो इसमें डाल देने हैं। फिर उसके बाद अभी हमें इन रोल को ब्राउन होने तक फ्राई करना है और हमें गैस को एकदम बारीक रख के इन्हें फ्राई करना है, तभी ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई होंगे, नहीं तो ये सिर्फ ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से फ्राई नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको गैस को एकदम बारीक रख के इन्हें फ्राई करना है। तो ये देखिए, अभी ये रोल फ्राई हो चुके हैं। तो आप ऐसे ही आसानी से घर में मैदे और आलू से एक मज़ेदार और चटपटा नाश्ता बना सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।